अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूँ डॉक्टर जमजम और आज का हमारा टॉपिक है विजडम टूथ या अकलदार। अकलदार में दर्द क्यों होता है और अकलदार निकलवानी चाहिए नहीं निकलवानी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकलदार निकलवाने से क्या हमारी अकल पे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, अकलदार को अकलदार क्यों कहते हैं। सो ये सब कंसर्न हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। डेंटल प्रैक्टिस में हर दूसरे या तीसरे दिन देखने में आता है कि हर पेशेंट अकलदार के प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, अकलदार इतनी कॉमन क्यों है, अकलदार का प्रॉब्लम क्यों, अकलदार जो है बाकी दांतों की तरह मुंह में क्यों नहीं आ जाती, इरप्ट क्यों नहीं हो जाती इजीली। तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो बहुत सख्त गिजाएँ खाते थे, बहुत हैवी डाइट्स उनकी होती थी, उनके जबड़ों के साइज़ यानी उनके जॉ का जो साइज़ था कंपेरेटिवली बिग होता था। आजकल की जो जनरेशन है जिन्हें बर्गर पिज्ज़ा या जो भी हम रोटी वगैरह खाते हैं और ना वो इतनी मिकदार में हम खाते हैं चीज़ें जैसे पहले के लोग खाते थे, तो वक्त के साथ साथ जो जॉ का साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। इसलिए थर्ड मोलर को यानी कि अकलदार को विजडम टूथ को निकलने की जगह नहीं मिल पाती। तो वो या तो चीक्स में चला जाता है या वो टंग की साइड पर चला जाता है या वो आगे वाले दांत को हर्ट करता है क्योंकि उसको जगह नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है अकलदार की प्रॉब्लम का। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि अकलदार को निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए या कब निकलवाना चाहिए। तो अकलदार आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, आपको लग रहा है कि आपका गम जो मसूड़ा है पीछे का वो स्वेल हो रहा है, तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाएं, आप एक्सरे कराएं। तीन तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है जैसे आपको नज़र आ रही है पिक्चर में, अगर अकलदार बिल्कुल स्ट्रेट है और उसके आने की जगह है और वो इरप्ट हो सकती है मुँह में, तो हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि जिस तरह बच्चों के दांत आते हैं तो गम्स थोड़े से स्वेल होते हैं, मसूड़े स्वेल होते हैं, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तो वो सब नॉर्मल है। तो थोड़े से आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं या ब्रोफिन ले सकते हैं और उसको फॉलोअप पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रेट है तो उसको निकलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इरप्ट हो रही होती है अकलदार और निकल रही होती है यानी कि मुंह में, और उसके ऊपर थोड़ा सा गम्स का थोड़ा सा एरिया आ जाता है, थोड़ा फ्लैप जैसा बन जाता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस फ्लैप वाले एरिया में क्या होता है कि अंदर खाना जमा होना शुरू हो जाता है और उधर तक ब्रश नहीं पहुंच पाता, इजीली सफाई नहीं हो पाती, तो वहाँ पे कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर इस तरह का फ्लैप आपके मुंह में बन रहा है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आप बेस्ट इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप गर्म पानी लें, उसमें नमक डाल के उसके गरारे करें और एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके उसकी क्लीनिंग करवा लें, सिर्फ उस एरिया की क्लीनिंग करवा लें, माउथ वॉश यूज़ करें, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आहिस्ते आहिस्ते आपकी अकलदार आपके मुँह में आ जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अकलदार आपकी हो सकता है कि वो टेढ़ी होके चीक की तरफ जा रही हो, एक्सरे में नज़र आएगा कि वो सीधी नहीं है, थोड़ी एंगुलर है, टेढ़ी है। तो अगर वो चीक की तरफ जाएगी और चीक की तरफ इरप्ट होगी तो वो आपके चीक को हर्ट कर सकती है यानी कि आपके गाल को हर्ट कर सकती है, या तो ऊपर वाली है तो वो बाहर की तरफ आ रही होगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि वो हो सकता है अंदर की तरफ जा रही हो यानी कि टंग की साइड पर, ज़बान की साइड पर, तब वो आपकी ज़बान पर ज़ख्म कर सकती है। इन सिचुएशन में आपको अकलदार निकलवानी लाजिम है। तीसरी सिचुएशन ये होती है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अकलदार बिल्कुल लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टली है, और वो जब निकलने की कोशिश करती है तो आगे वाले दांत को टच करती है और पेशेंट को पेन होता है। तो वो इस सिचुएशन में अकलदार का निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर वो नहीं निकलवाएंगे तो आगे वाले दांत को टच करती रहेगी और जो सेकंड मोलर होगा यानी अकलदार से पहले वाला जो दांत होगा उसको वो अंदर ही अंदर ख़राब करेगी और कीड़ा बन जाएगा और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी सेकेंड मोलर में। तो इवेंचुअली आपको थर्ड मोलर एंड सेकेंड मोलर दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में अकलदार को निकलवाना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स जब तक पेन नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब अपेंडिक्स में पेन होता है तो हम उसको रिमूव करा लेते हैं। अपेंडिक्स का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। इसी तरह अब जो थर्ड मोलर है, जो विजडम टूथ है, जो अकलदार है, उसका अब कोई काम नहीं है। तो इसलिए अकलदार को रिमूव कराते हुए आपके जहन में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इससे, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आंखों पर असर पड़ता है, हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, कुछ कहते हैं कि हम खाना खाने में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। अगर आपकी अकलदार में प्रॉब्लम हो रही है आप बिला झिझक जाके उसको रिमूव करा सकते हैं। और अकलदार एक मुंह में चार होती हैं यानी अपर टू एंड लोअर टू। तो एक्सरे जो ओपीजी होता है अकलदार के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं उसको ओपीजी कहते हैं। एक एक्सरे होता है जो बड़ा होता है, उसमें चारों अकलदार आपकी आ जाती हैं। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी हर साइड की दाढ़ की क्या पोजिशन है। अगर वाकई दाढ़ टेढ़ी है तो उसको आप यंग एज में निकलवा लें ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत इसके कि आप उसका वेट करें कि वो कब आपके दर्द करे और कब प्रॉब्लम हो। सकता है आपकी 50-60 की एज में जाके वो आपको पेन करे जब आपकी सिचुएशन ना हो कि आप इतना बड़ा ट्रीटमेंट करा सकें। तो बेहतर है अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि आपकी अकलदार टेढ़ी है तो आप उसको उसी टाइम रिमूव करवा लें, भले वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही फिर भी आप उसको रिमूव करवा लें, क्योंकि लाइफ में आगे जाके कभी ना कभी आपको ज़रूर प्रॉब्लम देगी। तो जनाब आई होप कि मैंने सारे कंसर्न्स आप लोगों के रिगार्डिंग विजडम टूथ क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पर्सनली भी मुझसे फेसबुक पेज पे मुझसे आप पिक्चर्स वगैरह दिखा के कंसल्टेशन ले सकते हैं।
अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का आपको पता चलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।